फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा करने के बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोज, और उसमें आज जो हमारा डिस्कस करेंगे बायोग्राफीज के बारे में। तो बायोग्राफी क्या है, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी फेमस बायोग्राफी है जो हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में कहाँ क्या सोर्स रहा है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो बायोग्राफी है ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड है जो कि लिया गया है बायोस प्लस ग्राफी। बायोस का मतलब आप जानते हैं कि लाइफ होता है और ग्राफे का मतलब राइट, टू राइट। तो कहने का मतलब है राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ समवन। तो बायोग्राफी का मतलब है क्या, राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ समवन, किसी की जीवन के बारे में लिखना, ठीक है, ये बायोग्राफी है। बहुत अच्छा कहा है कार्लाइल कहते हैं क्या, हिस्ट्री इज द एसेंस ऑफ काउंटलेस बायोग्राफीज। जो इतिहास रहा है, जो इतिहास है वो क्या है, सार है, एसेंस है काउंटलेस बायोग्राफीज, ना जाने कितनी अनगिनत जीवनियों का, क्योंकि इतिहास जो हमें बताता है, कहीं ना कहीं इतिहास को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश किया जाता, कल्पनाएं इतिहास नहीं हो सकता। तो इतिहास में जो दिखाया जाता है कहीं ना कहीं वो किसी के जीवन के बारे में दिखाया जाता है ना। वो बात अलग है कि जब हम बायोग्राफी की बात करते हैं तो फिर लिखने का जो स्टाइल है, नजरिया है, वो तरीका है, वो अलग हो जाता है। और जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो लिखने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। तो बायोग्राफी की हम बात कर रहे हैं तो किसी पर्सन की बायोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम इधर उधर बहुत ज़्यादा ना घूम के सिर्फ फोकस करते हैं उस पर्सन के बारे में। जबकि हिस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत एक ब्रॉड सेंस एरिया, बात हम बड़ी, बहुत बड़ी बातें, बहुत मतलब दायरा उसका बढ़ जाता है, ये हम करते हैं। तो कार्ले ने बहुत अच्छा ही कहा है कि हिस्ट्री एसेंस है, सार है, ना जाने कितनी बायोग्राफीज का। जब हम बायोग्राफी लिख रहे हैं, बायोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हाइलाइटनिंग करते हैं, दिखाते हैं किसी की फेलिंग्स और अचीवमेंट को, कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में कब और क्यों, कहाँ, कैसे उसकी कमियां हैं, उसकी फीलिंग्स रही हैं और कहाँ उसके अचीवमेंट रहे हैं। लिखने वाले को जो है ध्यान रखना पड़ता है इस बात का कि वो जो जिसके बारे में लिख रहा है, या बायोग्राफीज हाँ किसी के बारे में लिखी जाती हैं, तो जिसके बारे में वो लिख रहा है वो उसके प्रति स्नेह का भाव ना रखे, लगाव ना रखे, और उनकी कमियों को ना छुपाए, उनकी फीलिंग्स को ना छुपाए, है ना, और क्या कहते हैं, अपने आप को उससे सेपरेट कर ले। अगर उससे कोई स्नेह प्रेम वगैरह कुछ है ना, वो उसका क्या कहते हैं, हीरो है या आइडल है, तो इस बात को वो उससे अलग कर ले जब वो बायोग्राफी लिखे। क्योंकि बायोग्राफी जब आप लिख रहे हैं तो चाहिए कि आप न्यूट्रल होकर लिख रहे हैं, आपका उससे कोई लगाव नहीं, तो उस तरह से जिस तरह से आप उसकी अच्छाइयां गिना रहे हैं उसी तरह से उस व्यक्ति की बुराइयां जो हैं वह भी सामने आनी चाहिए, तभी तो बायोग्राफी है, ठीक है। तो ठीक है, बायोग्राफी एज अ डिस्टिंक्ट लिटरेरी जॉनरा, बड़ा ही डिस्टिंक्ट ये लिटरेरी जॉनरा है। फर्स्ट अपीयर, सबसे पहले ये इंग्लिश साहित्य में दिखाई देता है 17th सेंचुरी में, ये आता है और ये आइजैक वॉल्टन्स की जो वर्क है, उनका जो वर्क है क्या, लाइव्स, उनका आइजैक वॉल्टन का वर्क है लाइव्स, उसमें ये दिखाई देता है, जो कि 1640-1678 के बीच में ये लिखा गया था। इसको फिर से याद रखें क्या, आइजैक वॉल्टन्स। बायोग्राफीज की बात करें, बायोग्राफी ऑफ जॉन डन, जॉर्ज हार्वर्ड और रिचार्ड हुकर और बहुत सारी अदर बायोग्राफीज किसने लिखी हैं, ये आइजैक वॉल्टन्स ने, जो लाइव्स करके जिनका वर्क है, इसमें बायोग्राफीज लिखी गई हैं जॉन डन की, जॉन हार्वर्ड की, रिचार्ड हुकर और अदर। तो लाइव्स को आपको याद रखना है। एक और वर्क है सैमुअल जॉनसन के द्वारा, और वो क्या है, द लाइव्स ऑफ द पोइट सैमुअल जॉनसन। तो यहाँ पर भी सैमुअल जॉनसन ने क्या किया, जो पोइट्स हैं उनकी, जो जीवनी है उनकी लाइफ के बारे में,
यहाँ पे रिवील किया है, बताया है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि ये सोर्स रहा है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी आगे आने वाली राइटिंग का, हिस्टोरिकल प्लेस जो लिखे जाते हैं उनका। और वो क्या है, वो प्लूटार्स का वर्क है, प्लूटार्च का वर्क है क्या, पैरेलल लाइफ्स, प्लूटार्च का वर्क है क्या, पैरेलल लाइफ, तो फर्स्ट एडी में लिखा गया था। और जहाँ पर वो कवर्ड करते हैं, बताते हैं बायोग्राफी ऑफ 23 ग्रीक्स एंड 23 रोमन्स, 23 ग्रीक्स एंड 23 रोमन्स अरेंज्ड इन पेयर्स, और जो कि क्या थी, पेयर्स में अरेंज थी। अब यहाँ पे पेयर कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रीक और एक रोमन, एक ग्रीक राइटर एक रोमन, एक ग्रीक है और एक दूसरा रोमन है, तो ये एक हुआ है ना, इसी तरह का पेयर है 23 23 23। टोटल इन्होंने 46 जो पर्सन रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में लिखा, और पेयर में इन्होंने लिखने का काम किया, उस पेयर में इन्होंने ग्रीक और रोमन की लाइफ को लिखने का काम किया। तो जो प्लूटार्च का जो वर्क है वो बहुत सारे आप शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, उनकी जो वर्क है उसका सोर्स माना जाता है, हिस्टोरिकल प्लेस का सोर्स माना जाता है, ठीक है। दे प्रूव्ड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्लॉट्स फॉर मैनी ड्रामास, बहुत सारे ड्रामास हैं ना सिर्फ शेक्सपियर, यूनिवर्सिटी बिट्स अदर इन इन सोर्स का यूज करके बहुत सारे अदर ड्रामास का इन्वेंशन हुआ, वहां से लिखे गए, ठीक है। ऑथराइज्ड, अच्छा अब यहाँ पे हम कुछ अलग बात करते हैं, बायोग्राफी किसी के जीवन के बारे में बायोग्राफी, ठीक है। जबकि ऑथराइज्ड बायोग्राफी, घोस्ट राइटर और हेजियोग्राफी, इन तीन टर्म के बारे में भी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हेजियोग्राफी को देखते हैं। तो हेजियोग्राफी क्या होता है, हेजियो का मतलब रिलीजन से होता है, सेंट से होता है, और ग्राफी का मतलब राइटिंग। तो हेजियोग्राफी और बायोग्राफी में अंतर है, बायोग्राफी किसी आम इंसान की है, जबकि हेजियोग्राफी जो होगी वो किसी सेंट की, किसी मॉन्क की, नन की, किसी धार्मिक रिलीजियस जो लोग हैं उनकी बायोग्राफी जो होती है उसको हेजियोग्राफी कहते हैं। किसी धार्मिक जो व्यक्ति है, जैसे हमने कहा कोई महात्मा है, महापुरुष है, कोई संत है, कोई सेंट है, कोई नन है, प्रीस्ट है, इनकी जो बायोग्राफी है तो वो हेजियोग्राफी कही जाती है। एक और बात है घोस्ट राइटर। अब ये घोस्ट राइटर क्या है, देखो ऑटोबायोग्राफी होती है खुद के द्वारा लिखी हुई है ना, बायोग्राफी होती है कोई और लिख रहा है उसको। राइटर वह व्यक्ति होता है जो किसी के बारे में लिख रहा है, मगर लिखने वाला कोई और है, मगर बुक पर जो राइटर का नेम है वो कोई और होगा। तो घोस्ट राइटर, ये बायोग्राफी के बारे में ही बात कर रही हूँ, किसी की बायोग्राफी कोई और लिखेगा, ठीक है, पर जब बुक आपके सामने आएगी तो उस पर राइटिंग जिसने की है, जिसका नाम होगा, वो कोई और होगा। तो ये घोस्ट राइटर ऐसा टर्म है। एक और बात है ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। ऑथोराइज्ड यहाँ पर, ऑथोराइज्ड बायोग्राफी कहने से मतलब है कि जब आप बायोग्राफी लिख रहे हैं तो जो आसपास के जो सोर्सेज हैं उनसे आपने उसको वेरीफाई किया है या नहीं किया, ठीक है। तो ऐसी बायोग्राफीज हम लिख रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपने किसी मैगजीन से, डायरी से, मेम्योर से, ट्रेवलॉग से, है ना, कहाँ कहाँ से आपने जो सोर्स लिए हैं आप उनको साथ में डिस्क्राइब भी करें, तो दैट टर्म, इस तरह की बायोग्राफीज जो है ऑथराइज्ड बायोग्राफी कही जाती हैं। यहाँ पे कुछ बायोग्राफीज हम देखते हैं, तो क्वीन विक्टोरिया रही है उनकी बायोग्राफी किसने लिखी, तो ये लाइटन स्ट्रैची करके एक पर्सन हुए हैं, उन्होंने ये विक्टोरियन एज के ही हैं, बड़े फेमस रहे हैं, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया की बायोग्राफी लिखी है। ली मॉन्ट डी आर्थर, इनकी जो बायोग्राफी है सर थॉमस मॉलोरी ने लिखी है। ब्रीफ लाइफ्स, ये एक वर्क है 17th century में पहली बार आता है, और जॉन ऑब्री ने इनकी ये वर्क लिखा है, ठीक है।
एक और वर्क हमें एसटी कॉलरिज का मिलता है क्या, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो बायोग्राफी लिटरेरिया में बायोग्राफीज हैं, पर ये बड़ी ये किस तरह की क्रिटिकल बायोग्राफीज हैं। यहाँ पर हमने बायोग्राफीज के बारे में जाना, इम्पोर्टेंट बायोग्राफीज के बारे में जाना यहाँ पर। होप करती हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर बहुत सारे लेक्चर, जैसे कि बायोग्राफी है, मेमोर्स है, ऑटोबायोग्राफी है, ट्रैवलॉग है, ये सारे क्या होते हैं, जितनी भी फॉर्म्स हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।